बहुत अच्छी लगी, बहुत इमोशनल फिल्म थी, बड़ा मज़ा आया देखकर। और स्पेशली नंदिश इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, हम दोनों ने साथ उत्तरण में काम किया था, तब से जानता हूँ उसको, एंड आई वांट टू विश हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। बहुत ही माइंड ब्लोइंग, मैं तो बहुत रोया हूँ फिल्म में थ्रू आउट। इनफैक्ट इंटरवल में मैं विकास को भी मिला था, तो मैं तो जाके उसको हक कर लिया कि मैंने उसको कहा कि यार व्हाट अ फिल्म। एंड व्हेनेवर आई मीट ऋतिक सर नेक्स्ट, वो डांस दीवाने पे आए थे फॉर द प्रमोशन, तब मैंने फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन अगली बार जब भी मिलूँगा जाके गले मिलूँगा फॉर जस्ट फॉर बींग द एक्टर दैट इज़ की इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना जेन्यून इमोशंस थ्रू द फिल्म हैज़ बिन जस्ट अमेजिंग। और मुझे, मैं आनंद कुमार जी से मिला फिल्म के पहले, तो वो और उनकी वाइफ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे वाइफ के आप फेवरेट एक्टर हो, मिले जब हम, तुम देखती थी वो, तो मैंने कहा थैंक यू। और उन्होंने पिक्चर्स के लिए, उनकी पूरी फैमिली आई और उन्होंने कहा मुझसे कि मैं आनंद कुमार हूँ, तो मैंने कहा हाँ सर आप ही के ऊपर फिल्म बनी है, मैं मतलब वेरी हैप्पी टू मीट यू। लेकिन फिल्म देखने के बाद आई एम सो ग्लैड कि मैं आनंद कुमार से मिला और मैं उनको इंटरवल में भी जाके गले लग के आया। मैंने उनको कहा सर मतलब आप जो शिक्षक हो और आपने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा, एंड हैट्स ऑफ टू हिम यार, आई एम जस्ट वेरी इमोशनल राइट नाउ, गॉड ब्लेस हिम एंड एवरीबडी। इफ यू डोंट वॉच सुपर 30 यू नेवर वॉच्ड अ फिल्म, प्लीज़ कम वॉच इट, थैंक यू। मतलब माइंड ब्लोइंग फैबुलस, ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो, एंड वो इस स्क्रीन पे भी थे हमारे साथ, मूवी साथ में देख रहे थे, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट। एंड मतलब आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट, एंड जब पता चला रियल लाइफ हीरो, मतलब ही इज़ जस्ट अमेजिंग, एंड द वर्क ही इज़ डन एंड हैज़ बीन डूइंग टिल नाउ, इट्स अमेजिंग, फैबुलस। परफॉर्मर्स सारे के सारे, हर एक परफॉर्मर, आई थिंक एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था फिल्म का। द किड्स, ऋतिक, मृणाल, नंदेश, आई थिंक ऑल ऑफ देम, दे वर सो गुड, एंड आई एम सो ग्लैड टू वॉच सच अ नाइस फिल्म आफ्टर सो लॉन्ग, थैंक यू। सुपर सुपर, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेशनल, बहुत अच्छी लगी। Too good, he's too good. I think it's also the director who's brought out such a good performance, so bahut maza aaya. Oh, he's excellent, superb. Everybody is very good. I think it's perfect casting, perfect creation, and everything is awesome. 5 out of 5. If there was 6, I would have given 6 out of 5. मुझे बहुत अच्छी लगी। आई रियली डिडंट थिंक कि एक फिल्म जिसका डॉक्यूमेंट्री वाला सब्जेक्ट हो उसको इतना ज़्यादा कमर्शियली और इतना एंटरटेनिंगली दिखाया जा सकता है, एंड आई थिंक विकास बल इज़ रियली आउटडन हिमसेल्फ एंड सो इज़ ऋतिक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा उनकी एक्सेंट में या उनकी फिजिकैलिटी में, रियली इट वॉज टोटल पैसा वसूल, एंटरटेनमेंट प्लस अ मैसेज, अच्छा था। बहुत अच्छी लगी, एक्सीलेंट मूवी। नो, शी सेड इट ऑल, सॉरी, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्टर, उससे आगे कुछ और नहीं है, नथिंग एल्स। कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनबिलीवेबल, मैं एक्चुअली एक आई एम फीलिंग लाइक अ फैन, मैं आनंद सर को मिलना चाहती हूँ, उनके साथ एक फ़ोटोग्राफ खींचना चाहती हूँ, वो हमारे साथ थिएटर में थे
और वो वहाँ से निकले हैं एंड आई वॉन्ट टू गो एंड गिव हिम अ बिग बिग हग एंड माइंड ब्लोइंग व्हाट अ लाइफ. एक ऐसी कहानी है मतलब सबको देखनी चाहिए. इट्स ब्यूटिफुल अनबिलीवेबल. बहुत अच्छा काम किया है. तो जैसे ही मूवी ख़त्म हुई और पीछे देखा आनंद सर थे और रितिक, आई थिंक उन्होंने एक एक चीज़ पकड़ी है उनकी, बिकॉज व्हेन ही वाज स्टैंडिंग देयर यू कुड यू नो देयर वाज नो डिफरेंस इन बोथ. सो फैब्यूलस फैब्यूलस फिल्म. क्लियरली एवरीवन इज़ ओवरवेल्म्ड. हम मूवी ख़त्म होने के बाद भी खड़े रहे, कोई हिला ही नहीं. सो ब्रिलियंट फिल्म, आपको भी देखनी चाहिए थी. अरे देख ली, वेरी गुड. चलो मतलब अभी फ़िलहाल मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे मेरे टीचर्स याद आ रहे हैं, यू नो लाइक इट्स अनबिलीवेबल. सो इट्स अनबिलीवेबल 30 IIT, यू नो लाइक हमने अभी तक सुना था, न्यूज़ में सुना था, और आज इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं विद द मैन हिमसेल्फ. तो इट्स आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मूवी देखने का मौका मिला और वो भी उनके साथ, मतलब एक ऑडी में बैठ के. और नंदिश वाज सुपर. He was looking so charming and Ritik, oh God, my, I swear, like the performance जो उन्होंने दिया है, कमाल का performance है. Thank you. इंडिया सलांग लगाएगा. सबसे लंबा छलांग मारेंगे हम लोग. यस यस सर. कौन छलांग लगाएगा? सर हम लगाऊंगा. मैं लगाऊंगा सर. मैं लगाऊंगा. और अगर कोई बोलेगा कि हम छलांग नहीं लगा सकते तो जबरदस्ती लगवा दो. नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे पता है? इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? आई थिंक सब लोग को जाके देखनी चाहिए. इन बच्चों ने जो मेहनत किया है, जो यू नो जो आप स्क्रीन पे देखेंगे वो असली में ये सब फील करते हैं. और जब हम देखते हैं और जब मैं कहानी सुनता था तो मुझे लगता था मेरी कहानी है. तो बहुत एक्साइटेड है कि मूवी कल आएगी. कल कैसा रिव्यू मिलेगा इसके लिए? हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. बस एक तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी. अब देखते हैं दर्शकों को हमारी मूवी कैसे लगती है. हमें तो बहुत अच्छी लगी. और थैंक्स विकास सर को जिन्होंने हम लोगों को कास्ट किया. बहुत ज्यादा थैंक्स. चुके हैं पहले और अभी वो हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है. तो अब यही है कि जब पब्लिक वो देखेगी तो कैसा रिव्यू आता है. हमें तो बहुत ही अच्छी लगी मूवी. हमने जो काम किया हम तो सेटिस्फाइड है, बट पब्लिक क्या कहती है वो देखना है. जी हमको मींस आई थिंक कि जितनी मूवी हमें पसंद आई है काम करके उतनी ज़्यादा जनता को भी पसंद आने वाली है. और मूवी इतनी यू नो पावरफुल है. एक्शन है, ड्रामा है, इमोशंस है, सब कुछ है मूवी में. आई थिंक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है एंड पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है. फिंगर्स क्रॉस कि पब्लिक को पसंद आए और फिल्म सुपर डुपर हिट हो. और हम लोगों ने छलांग लगा दी है. थैंक यू.
ओके चलो आ जाओ थैंक सर इधर बाय बाय पीछे उसको
सर राइट में नहीं बोलते बिल्लू के राइट सर बहुत यार होल्ड 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 इधर नहीं हुआ अरे इधर नहीं हुआ थैंक यू उधर ही रुको गाड़ी का लाइट बंद करो गाड़ी गाड़ी आगे जाने दो ना गाड़ी जा 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 अरे जाने दो ना भाई बस भाई मैम स्टार्ट पर राइट मैम यहां से मैम राइट जा रहा भाई मैम राइट में एक बार मैम लुक गया मैम यहां पर करण लेफ्ट मैम छोड़ रहा है लेफ्ट मैम यहां पे मैम इधर मैम एचपी पर राइट थैंक यू मैम नीचे फोर स्टेप नीचे फोर स्टेप हाँ एकदम नीचे एकदम नीचे आराम से थोड़ा हाथ दबे अरे और नीचे एक नीचे और मैम रुक गया सेंटर में राइट में मैम सेंटर मैम रुक गया मैम एक्सक्यूज मी राइट 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 मैम रुक गया सेंटर एक्सक्यूज मी मैम मैम यहां पे मैम ये दिल्ली मैम थोड़ा और नीचे थोड़ा और बस मैम लुक के सेंटर मैम एकदम सेंटर या राइट साइड या मैम यहां पे वन मोर राइट साइड यो यो मैम लुक के सेंटर या मैम एक्सट्रीम लेफ्ट मैम सेंटर है बंदे को मिला हुआ मैम करिश्मा सेंटर करिश्मा मैम यहां पे